Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, all students. You are watching the YouTube channel of the Bahauddin Zakaria Institute of Health Sciences, Multan. Aaj yakam December 2020 din hai, Tuesday. Anatomy and Physiology subject ke saath Naveed Bhatti, Lecture 1. के साथ हाजिर है. टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी. देयर आर द सम की पॉइंट्स. नंबर वन इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एनाटॉमी एंड सेकेंड देयर आर द सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड थर्ड वन पर मेन ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड फोर्थ पॉइंट है अप्रोचेस टू स्टडी द एनाटॉमी एंड फिफ्थ पॉइंट सम अदर ब्रांचेस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड द लास्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी. नहीं, आफ्टर फॉलोइंग द दीज पॉइंट्स we will get the a lot of the information of the anatomy. So step by step hum in tamam points ko study karenge. So first of all, introduction of anatomy and the historical background. So anatomy is the identification and description of the structure of लिविंग थिंग. मतलब कि जो एनाटॉमी है वो आइडेंटिफाई करता है और डिस्क्रिप्शन यानी आप किसी भी लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, बयान करना और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है. सो ये आपके एनाटॉमी में आता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको डिस्क्राइब करना उस पार्ट को या उस ऑर्गेन को. तो ये जो किसी भी लिविंग थिंग्स के जिंदा चीजें के स्ट्रक्चर को, तो ये एनाटॉमी कहलाती है. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. यानी एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजी और मेडिसिन की एक ब्रांच है. स्टडी ऑफ द एनाटॉमी गोज बैक ओवर 2000 ईयर्स टू द एशियन ग्रीक. यानी आज से तकरीबन मोर देन 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले भी जो एशियन ग्रीक थे, ग्रीक जो हमारे यूनानी लोग, वहां से इसके बारे में एनाटॉमी को स्टडी स्टार्ट हुई है. तो सबसे पहले जो यानी एनाटॉमी के हवाले से जो रिगार्डिंग द बुक्स, डिफरेंट जो बुक्स हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उसमें सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट एशियन ग्रीक यूनानी जो साइंटिस्ट थे उसमें हिप्पोक्रेट्स आते हैं. हिप्पोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि दैट इज द फादर ऑफ मेडिसिन. यानी बिफोर कॉमन एरा, बीसी, बिफोर क्रिश्चियनिटी. सो ये जो टाइम फ्रेम है क्रिश्चियनिटी से, हजरत ईसा अलैहि सलाम से पहले को आप बिफोर कॉमन इरा कहा जाता है, BCE. तो हिप्पोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ द मेडिसिन कहलाते हैं. तो फादर ऑफ मेडिसिन, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिप्पोक्रेट्स को, यानी हिप्पोक्रेट्स ने भी एनाटॉमी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन एज सच शेयर की. लेकिन सेकंड जो था वो हीरोफिलस है, जिसे हम फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं. यानी आपके 335 टू 280 BCE में, तो एक्चुअल जो ओल्ड इरा है उनके जो उस इरा में जो फादर ऑफ एनाटॉमी है वो हीरोफिलस है. तो हीरोफिलस एक यानी यूनानी जो साइंटिस्ट एनाटॉमिस्ट इसे आप
कह सकते हैं क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी, यानी हीरोफिलस वो एनाटॉमिस्ट है जिसने पहली दफा इस ग्रह जमीन पर ह्यूमन बॉडी को कट करके उसके बारे में इंटरनली किसी भी ऑर्गेन को स्टडी किया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे फादर ऑफ एनाटॉमी कह सकते हैं, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने यानी ह्यूमन बॉडी को कट ऑफ नहीं किया, यानी उसे कट करके स्टडी नहीं किया। तो हीरोफिलस जिसने मोर देन 600 जो प्रिजनर थे, कैदी थे, यानी ग्रीक वो जो टाइम फ्रेम था उसमें उनकी डेड बॉडीज को ऐसा स्टडी किया, कट किया, स्टडी किया और एनाटॉमी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन अपनी बुक के अंदर राइट डाउन की। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड्रियस विसालियस 1514 टू 1564 एडी में, यानी द फादर ऑफ द एनाटॉमी इन मॉडर्न इरा, यानी मॉडर्न इरा के अंदर जदीद दौर में आप एंड्रियस विसालियस को फादर ऑफ एनाटॉमी कंसिडर करते हैं। यानी ओल्ड इरा के अंदर हीरोफिलस था और मॉडर्न इरा के अंदर फादर ऑफ एनाटॉमी वो एंड्रियस विसालियस है। सो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनाटॉमी को कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड एरियाज। वो कौन से तीन ब्रॉड एरियाज थे जिसमें हमने एनाटॉमी को एज सच डिवाइड किया? तो फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो ह्यूमन एनाटॉमी, यानी बिलोंग्स टू द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद ज़ूटॉमी, यानी इसके अंदर आप एनिमल की जो एनाटॉमी है उसको स्टडी करते हैं। एंड फाइटोटॉमी, जिसके अंदर आप प्लांट्स को, प्लांट से रेलिवेंट जो एनाटॉमी है उसको स्टडी करते हैं। अब लेटेस्ट जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आता है वह है हेनरी ग्रे का 1827 टू 1861 वाज अ इंग्लिश एनाटॉमिस्ट एंड सर्जन, मोस्ट नोटेबल स्टडी फॉर द पब्लिशिंग द बुक ग्रे एनाटॉमी। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर से चलते आए, बिफोर क्रिश्चियनिटी, आफ्टर क्रिश्चियनिटी और उसके बाद यानी 19th सेंचुरीज के मिड में 1858 के अंदर, यानी 1858 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन जो ग्रे एनाटॉमी बुक का वो पब्लिश हुआ। ये बेसिकली इंग्लिश एनाटॉमिस्ट था, सर्जन था, जिसने इस बुक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 360 के करीब डिफरेंट जो है ना डायग्राम एनाटॉमी से रेलिवेंट डिफरेंट पार्ट्स, यानी हार्ट, लंग्स, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे जो रेलिवेंट एनाटॉमी है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया अपनी बुक में। तो अब तक ग्रे एनाटॉमी की 9th एडिशन पब्लिश हो चुकी है। तो हेनरी ग्रे को आप एक एडवांस या मॉडर्न इरा के अंदर भी एक नोटेबल काबिले जिक्र जो है साइंटिस्ट या एनाटॉमिस्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो आपके पास फादर ऑफ एनाटॉमी है मॉडर्न इरा के अंदर वो एंड्रियास विसालियस है। तो ये पॉइंट था आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के अंदर कोई डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अंदर अगर हम चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पौधों और जानवरों के जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। तो पौधों और जानवरों के स्ट्रक्चर को, यानी उसके जो ढांचे को, उसका जो साख्त है, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो इसको आप एनाटॉमी कहते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो ह्यूमन एनाटॉमी है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या थी? इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म, इंसानी जिस्म में उसके डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्से और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है उनके जब स्ट्रक्चर को, उनकी जो साख्त है कि वो जो पार्ट्स हैं या जो ऑर्गेन है वो किन चीजों के बने हुए हैं, जब आप क्या साइज है उनका, उनकी शेप क्या है, तो इस चीज को जब आप स्टडी करते हैं तो ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है। द वर्ड एनाटॉमी, एनाटॉमी का जो लफ्ज है वो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, यूनानी जुबान से ये लफ्ज लिया गया है। आना मीनिंग अप या एक्सेसिव एंड टॉम मीन्स अ कटिंग, यानी एनाटॉमी मतलब कि आप किसी भी पार्ट को, यानी कटिंग अप, सादा लफ्जों में द स्टडी ऑफ एनाटॉमी हैव ट्रेडिशनली जो डिपेंडेंट ऑन कटिंग अप या डाइसेक्शन है, यानी जो ट्रेडिशनली था यानी पुराने वक्तों में आप किसी भी जिस्म के पार्ट्स को या ऑर्गन को आप कट करें, कट करने के बाद या उसकी डाइसेक्शन करें, फिर आप जब उसको स्टडी करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। बट नाउ विद द इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो जदीद टेक्नोलॉजी सामने आई है, इट इज इंक्रीजिंगली पॉसिबल टू सी हाउ द बॉडी पार्ट या ऑर्गेन मेड अप विदाउट डाइसेक्शन, यानी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी से की मदद से आप डोंट नीड टू द, आपको किसी किस्म के कटअप, कट करने की या डाइसेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली उस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। सो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है एनाटॉमी के हवाले से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। द मेन ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी आर, नंबर वन पर है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसे आप इन अनदर वर्ड या सेकंड नेम, अल्टरनेटिव जो नेम है वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो हिस्टोलॉजी है एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आ जाता है इसका अल्टरनेटिव नेम। एंड थर्ड वन पर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी, अल्टरनेटिव नेम डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो फर्स्ट जो ब्रांच थी हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी, या जिसे आप मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। मैक्रो का मतलब जो साइज में बड़ी है, यानी ऐसा पार्ट यू कैन सी विद नेकेड आई, कि आप एक सिंपल आई की मदद से उस चीज को आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ग्रॉस एनाटॉमी। इसकी जो डेफिनेशन आ जाती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई विदाउट द हेल्प ऑफ एनी विजुअल एड लाइक लेंस और माइक्रोस्कोप, यानी लेंस और माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर, विदाउट हेल्प ऑफ द लेंस और माइक्रोस्कोप, आप बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर को नेकेड आई के जरिए आप उसमें फर्क बयान कर सकते हैं कि आप कि दैट इज अ हार्ट, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये किडनी है, ये स्टोमिक है, यानी आप इजीली उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आई, अपनी आंखों से। तो इस चीज की स्टडी को आप क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर आप इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फर्स्ट स्टडिंग ग्रॉस एनाटॉमी, ह्यूमन कैडेवर इज डाइसेक्टेड। ह्यूमन कैडेवर इज डाइसेक्टेड के ह्यूमन की जो डेड बॉडी है उसको आप डाइसेक्ट करें, डाइसेक्ट करने के बाद आप उसकी जो स्टडी है वो आपकी क्या कहलाएगी? ग्रॉस एनाटॉमी। तो कैडेवर के हवाले से वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर स्टडिंग द ग्रॉस एनाटॉमी फॉलोइंग थिंग्स कैन हेल्प, यानी ग्रॉस एनाटॉमी की स्टडी के लिए जो मुतलका कुछ चीजें हैं
जो कि हमारे लिए मददगार हो सकती है। उसमें कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, स्पेसिमेन है, कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, वीडियो फिल्म्स आ जाती है, सीडीज आ जाती है, डीवीडीज आ जाती हैं। ये वो तमाम एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि आपको ग्रॉस एनाटॉमी के हवाले से, ग्रॉस एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए मददगार है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कुछ अप्रोचेस टू स्टडी ग्रॉस एनाटॉमी, यानी ग्रॉस एनाटॉमी को यानी अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ अप्रोच यूज की गई हैं। दे आर द टू अप्रोचेस टू स्टडी द ग्रॉस एनाटॉमी। तो उसमें जो अप्रोचेस आ जाती हैं जो कि अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं, मसलन रीजनल एनाटॉमी है द फर्स्ट टाइप, जिसे आप टोपोग्राफिकल एनाटॉमी कहते हैं, और सेकंड वन आ जाता है सिस्टमिक एनाटॉमी, या फिर आप इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। ये वो दो अप्रोचेस हैं जो कि ग्रॉस एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है। सो फर्स्ट जो हमारे पास अप्रोच थी वो थी रीजनल एनाटॉमी या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मींस कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन या रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म में किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन का या किसी भी खास रीजन को जब आप स्टडी करना हो उसकी एनाटॉमी को, तो ये चीज आपकी रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। मसलन के ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन एनाटॉमिकल रीजन, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसको बेसिकली तीन बुनियादी एनाटॉमिकल रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर वन जो रीजन है वो आपका हेड और नेक है, सेकंड रीजन आपका ट्रंक कहलाता है, और थर्ड रीजन आपका लिम्ब्स कहलाते हैं। तो वन बाय वन इन लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है वो ट्रंक आता है। ट्रंक बेसिकली क्या है? ट्रंक इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू विच हेड एंड नेक एंड लिम्ब्स आर अटैच्ड। यानी ट्रंक ह्यूमन बॉडी का वो एक पॉइंट है जहां पर आपका हेड और नेक प्लस आपके लिम्ब्स, यानी हमने कहा था ना कि थ्री रीजन है, थ्री एनाटॉमिकल रीजन है। एक आपका हेड एंड नेक था, दूसरा आपका ट्रंक था, और तीसरा आपके लिम्ब्स थे। तो आपके हेड एंड नेक और लिम्ब्स दोनों ये जो पार्ट है जिस मेन पार्ट के साथ अटैच होते हैं वो मेन पार्ट आपका क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है। तो ट्रंक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द थ्री, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब आपका जो ट्रंक है वो थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर वन पार्ट के एन अपर पार्ट कॉल्ड द थोरेक्स, और मिडल पार्ट कॉल्ड अबडोमेन, एंड द लोअर पार्ट कॉल्ड पेल्विस। यानी आपका थोरेक्स, अबडोमेन और आपका पेल्विस, ये तीनों जो पार्ट है ये आपके इज अ एग्जाम्पल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक की एग्जाम्पल है। तो इन तीनों चीजों के साथ आपका, यानी थोरेक्स के साथ हेड और नेक अटैच होगी, उसके बाद आपके जो अबडोमेन पेल्विस के साथ आपका लोअर लिम्ब्स यानी लिम्ब्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से थोरेक्स के साथ आपके अपर लिम्ब्स उसकी अटैचमेंट हो रही है। तो तीसरा जो पार्ट आ जाता है वो लिम्ब्स आ जाते हैं। अ पेयर ऑफ द अपर लिम्ब्स यानी अपर लिम्ब्स जो है उनका एक पेयर है जिसे आप फोर लिम्ब्स भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद सेकंड जो बी पॉइंट है वो है पेयर ऑफ द लोअर लिम्ब्स जिसे आप हिंड लिम्ब्स भी कहते हैं। अपर लिम्ब्स हैज द थ्री पार्ट, जो अपर लिम्ब्स है उसके तीन हिस्से हैं, एक आर्म है, एक फोर आर्म है और एक हैंड है। इसी तरीके से जो लोअर लिम्ब्स हैज थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन पे इज द थाई, लेग्स एंड फुट।
तो ये आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स के पार्ट्स आ गए। इनकी जो फर्दर डिटेल है या इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ द बोन्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि वो था रीजन के हवाले से। अब जो हमारे पास जो सेकंड अप्रोच आ जाती है वो सिस्टमिक एनाटॉमी या सिस्टमैटिक एनाटॉमी है, कि स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। यानी इंसानी जिस्म के अंदर आप खास किस्म के सिस्टम को जब आप स्टडी करते हैं तो इस एनाटॉमी की इस ब्रांच को आप हम कहते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली यानी 11 सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसमें किसी एक सिस्टम की एनाटॉमी को आप स्टडी करना, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है यानी हार्ट और वेसल्स और ब्लड, इन तीन चीजों से मिलकर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है, लिम्फैटिक सिस्टम आ जाता है, उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, आपका स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। तो 11 सिस्टम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम पाए जाते हैं। तो किसी एक सिस्टम के मुतालिक आप जब उसको स्पेसिफिक सिस्टम के मुतालिक आप स्टडी करते हैं तो वो आपके सिस्टमैटिक एनाटॉमी कहलाती है। अब एक और ब्रांच थी जिसे आप कहते हैं कैडेवेरिक एनाटॉमी, यानी इट इज अ स्टडी ऑन डेड बॉडीज यूजुअली विद अ नेकेड आई। यानी आप सिंपल नेकेड आई से आप किसी भी ह्यूमन की जो डेड बॉडीज है उसको जब आप स्टडी करते हैं तो ये आपकी कैडेवेरिक एनाटॉमी कहलाती है। दिस कैन बी डन बाय द टू मेथड, आप इसको दो मेथड्स के जरिए स्टडी कर सकते हैं। एक यानी वही रीजनल एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिस्टमैटिक एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी खास तौर पे जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के या डिफरेंट जो फील्ड्स हैं फिजियोथेरेपी के या आपके फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी जहां पर आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट स्टडीड किया जाता है, तो वहां पर नॉर्मली तौर पर डेड बॉडी को फिजिकली आपने एग्जामिन करना है, उसे कट आउट उसे डाइसेक्शन करके उसके डिफरेंट सिस्टम को उसके डिफरेंट रीजन को आप स्टडी करने को कैडेवेरिक एनाटॉमी कहलाती है, यानी स्टडीड ऑन द डेड बॉडी स्पेशली ह्यूमन। तो ये आपकी अनदर ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी है जस्ट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास है ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी के अंदर साइटोलॉजी, कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जरिए जब आप किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो वो सेल की एनाटॉमी की यानी उसके सेल्स के डिफरेंट जो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल को स्टडी करने के स्टडी को सेल की स्टडी को आप साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी है या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी बेसिकली ये जो दोनों है ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के जरिए जब आप किसी भी टिश्यू की स्टडी करते हैं टिश्यू की स्टडी को आप हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर जो चीज यूज हो रही है वो माइक्रोस्कोप है, क्योंकि सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो सेल कहलाता है। तो सेल्स मिलकर यानी सिमिलर स्पेसिफिक सेल्स मिलकर
एक टिश्यू डिवेलप करते हैं, तो और टिश्यूज मिलकर आपका ऑर्गेन को फॉर्मेशन करता है। तो ऑर्गेन मिलकर एक पूरा सिस्टम बनता है, उस सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम जो लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो इट इज परफॉर्म बाय द एग्जामिंग अ थिन स्लाइस यानी सेक्शन ऑफ टिश्यू अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी आप किसी भी टिश्यू के एक थिन यानी पतले से स्लाइस लाइक उस सेक्शन को कट करके अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में आप स्टडी करते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी जो है ना बेसिकली इज एन एसेंशियल टूल ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, यानी बायोलॉजी और मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्टोलॉजी है ये एक एसेंशियल एक जरूरी अहम टूल है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंटेड बाय ए डॉट वी लेवेनहॉक इन 1671 यानी 1671 के अंदर, यानी जो साइंटिस्ट था ए वी लेवेनहॉक इसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और उसके बाद यानी इसी साइंटिस्ट को आप फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये पॉइंट था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी के अंदर जो तीसरी मेन ब्रांच थी वो एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से थी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी थी। इसके अंदर स्टडी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, यानी पैदाइश से जो पहले के इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उसकी जो स्टडी है उसे आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में इसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर प्रीनेटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो भी तब्दीलियां आती हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उस स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर आप देखें तो जायगोट, जायगोट से मिरोला बनता है, उसके बाद मिरोला स्टेज के बाद आपके ब्लास्टोसाइट्स बनते हैं, फिर ये आस्था यानी आफ्टर 3 मंथ यानी फर्स्ट जो 3 मंथ है उसके अंदर आपके यानी प्रेगनेंसी के वो आपके यानी माइटोसिस प्रोसेस के जरिए जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बाद आफ्टर 3 मंथ जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है ना उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं यानी उसके आपका ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद हार्ट हो गया, लीवर हो गया, यानी दूसरे जो पार्ट्स डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस पूरे टाइम फ्रेम का जो 9 मंथ का जो टाइम फ्रेम है इस 9 मंथ के अंदर जब आप डिफरेंट जो चेंजेस हो रही है तो इस चेंजेस की स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं यानी जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है बीमारियां हैं आप इसी एम्ब्रियोलॉजी के दौरान यानी स्टडी के जरिए आप जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां डेवलप हो सकती हैं जेनेटिकली, तो उन बीमारियों के मुतालिक आप उसको अर्ली स्टेज के ऊपर फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये थे आपके पास एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है अदर सम अदर ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी, उसमें हमारे पास सरफेस एनाटॉमी है कि स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द डीपेस्ट स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी आप इसका जो अल्टरनेटिव जो नेम आ जाता है सरफेस एनाटॉमी का वो सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहलाता है कि आपके सुपरफिशियल या जो सरफेस है यानी जो स्किन है इस स्किन के नीचे आपको जो डीपर स्ट्रक्चर है उस डीपर स्ट्रक्चर की स्टडी को कि आपकी स्किन और स्किन के साथ जो डीपर स्ट्रक्चर है गहराई के अंदर यानी इनसाइड जो स्ट्रक्चर है उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की स्टडी को आप क्या कहते हैं सरफेस एनाटॉमी कहलाते हैं। मसलन हार्ट है, हार्ट के बाद लंग्स, स्टोमिक, ब्लड वेसल, नर्व्स कैन बी मार्क ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है कि आप यानी सरफेस के ऊपर यानी आपकी स्किन के ऊपर आप इन चीजों को मार्क करके
उसको स्टडी कर सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर आपका हार्ट है, इस एरिया के ऊपर आपका स्टोमिक है, इस एरिया पर आपका लंग्स है, यहाँ पर आपका किडनी है। तो इन अपर सरफेस यानी स्किन के ऊपर से ही आप अपने डिफरेंट ऑर्गेन को, जो कि डीपर है, यू कांट सी विद अ नेकेड आई, आप उनको नहीं दे सकते क्योंकि उसके अपर ऊपर आपको एक सुपरफिशियल लेयर मिलती है, स्किन की लेयर है, लेकिन आप उसकी लोकेशन को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका हार्ट है, यहाँ आपकी किडनी है, तो उस लिहाज से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये आपकी जो अनाटॉमी है, ये सरफेस अनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद आ जाता है रेडियोग्राफिक अनाटॉमी, के स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय द वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स, यानी मुख्तलिफ जो इमेजिंग टेक्निक्स है उसके जरिए भी आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। अब वो जो डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स है, उसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो एक्सरेज है, उसके बाद इन सम एक्सटेंट कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा तौर पे अल्ट्रासाउंड यूज की जाती है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन है जिसे आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहा जाता है, और लास्ट मंथ पर आपके पास एमआरआई आ जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो ये आपके पास एक एमआरआई जो है वो लास्ट ऑप्शंस होता है किसी भी यानी डिजीज को डायग्नोस करने के हवाले से, तो ये आपके पास एक लास्ट ऑप्शंस है। उससे पहले आपके सीटी स्कैन के जरिए आप स्टडी कर सकते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड है, फिर शुरू के अंदर एक्सरेज आ जाता है। तो ये वो टेक्निक्स थी, इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड वन पर आ जाता है कि आपके पास अप्लाइड अनाटॉमी है, या ऑल्टरनेटिव जो नेम है इसका वो क्लिनिकल अनाटॉमी है, कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ अनाटॉमी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड अप्लाइड और क्लिनिकल अनाटॉमी। यानी आप अपने अनाटॉमी के जो नॉलेज है उसको आपने अप्लाई किया किसके ऊपर, डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज यानी बीमारियों की, मुख्तलिफ जो किस्म की बीमारियां हैं उनके, उनको डायग्नोज करने में, उसको तशखीस करने में बीमारियों की, और उसके इलाज के लिए आप अपने अनाटॉमी के नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो इससे इस चीज की यानी इस चीज की स्टडी को आप क्या कहते हैं, अप्लाइड या फिर क्लिनिकल अनाटॉमी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि फोर्थ, के फंक्शनल अनाटॉमी या कोरिलेटिव अनाटॉमी, कोरिलेशंस ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेन या पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर, यानी इज कॉल्ड फंक्शनल अनाटॉमी या कोरिलेटिव अनाटॉमी। मतलब कि आप जिस्म के किसी भी हिस्से को यानी पार्ट को या ऑर्गेन को, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को इकट्ठा एक साथ, यानी उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, आपने किसी के फंक्शन को, जिस्म के किसी भी पार्ट या ऑर्गेन के फंक्शन को स्टडी करने का नाम फिजियोलॉजी है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को एक साथ अगर आपको रिलेटिव इकट्ठा स्टडी किया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल अनाटॉमी कहलाएगी या कोरिलेटिव अनाटॉमी कहलाएगी। पांचवा पॉइंट इसके अंदर जो हमारे पास फिफ्थ अदर ब्रांच है वो है कंपैरेटिव अनाटॉमी, यानी कंपैरिजन ऑफ द अनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बींग्स विद दैट ऑफ अदर एनिमल, यानी इज कॉल्ड कंपैरेटिव अनाटॉमी। कंपैरिजन करना यानी इंसानी ह्यूमन बींग्स की अनाटॉमी को किसी भी एनिमल की अनाटॉमी के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं, तो इस कंपैरिजन की स्टडी को आप कहते हैं कंपैरेटिव अनाटॉमी। उसके बाद आ जाता है छठा पॉइंट हमारे पास, अदर जो ब्रांच आ जाती है वो सर्जिकल अनाटॉमी है, कि दिस ब्रांच ऑफ अनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज अनाटॉमिकल फैक्ट्स विच आर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू टू सर्जन, यानी कि अनाटॉमी की वो ब्रांच जो कि यानी अनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, कि जो कि प्रैक्टिकली वैल्यू रखती है किसी भी सर्जन के लिए, यानी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी भी अनाटॉमिकल जो फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करना ताकि वो सर्जन के लिए हेल्पफुल हो। तो इस अनाटॉमी को आप सर्जिकल अनाटॉमी
एनाटॉमी कहते हैं। तो सेवन जो ब्रांच आ जाती है वो टेराटोलॉजी है, कि इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मैलिटीज इंक्लूडिंग देयर नेचर स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक बेसिस। यानी एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसके अंदर आप डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मैलिटीज, यानी वो अबनॉर्मैलिटीज जो कि आप कह सकते हैं कि बिफोर बर्थ यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो अबनॉर्मैलिटीज सामने आती हैं, उस अबनॉर्मैलिटीज की स्टडी करना, उसको आप क्या कहते हैं, टेराटोलॉजी कहते हैं। अब चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल वाइज है, चाहे वो एनाटॉमिकल वाइज है, तो इस चीज की स्टडी को आप टेराटोलॉजी कहते हैं। जिसकी एक एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है, कि जिसके अंदर ब्लीडिंग मुसलसल होती है। हीमो मतलब ब्लड, फीलिया मतलब ब्लीडिंग, कि खून इसमें मुसलसल बहता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है वह है क्लिफ पैलेट। क्लिफ पैलेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो बच्चे यानी जब पैदाइश होती है तो उसके अंदर जो बच्चे का तालू है यानी रूफ ऑफ द माउथ, यानी आपकी जो माउथ है, माउथ का जो रूफ है जिसे आप यानी कह सकते हैं पैलेटाइन बोन, हार्ड पैलेटाइन बोन, वो जो बोन्स है उसमें गैप आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर यानी उसे हम कहते हैं क्लिफ्ट पैलेट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, लास्ट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एनाटॉमी। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फंक्शन, यानी फिजियोलॉजी ऑफ यानी जो टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेन सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी इंसानी जिस्म में जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेन है और जो सिस्टम है, ये तमाम इनके इनकी जो फिजियोलॉजी है काम करने का, कि किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस किस्म का काम परफॉर्म करते हैं, जो स्ट्रक्चर है या जो ऑर्गेन है या जो सिस्टम है वो कैसे वर्कआउट करता है, इसको जो एनाटॉमी है वो अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। जब तक आप किसी भी स्ट्रक्चर का ना पता हो तो आप उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब तक आप किसी भी ऑर्गेन का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, जब तक आप इसका आइडिया ना हो तो आप उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको उसकी एनाटॉमी अंडरस्टैंड करनी है, फिर आप उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी विदाउट एनाटॉमी यू कांट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेन, दैट स्ट्रक्चर या दैट सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। यानी जो एनाटॉमी है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, किस चीज का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कि पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की। पैथो मतलब कि पैथोजन है, यानी पैथोजन की स्टडी को आप पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोजन क्या है, कि ऐसे माइक्रोब्स जो इंसानी जिस्म को बीमारी की तरफ मूव करें वो पैथोजन कहलाते हैं। तो पैथोजन की स्टडी को आप पैथोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन टिश्यूज एंड ऑर्गन कॉज बाय डिजीज, के बीमारी की वजह से आपके ऑर्गन में और टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चर वाइज यानी एनाटॉमिकल वाइज, फंक्शनल वाइज मतलब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकली कोई तब्दीली आती है, किसमें, टिश्यूज के अंदर या ऑर्गन के अंदर, किस वजह से, बीमारी की वजह से, तो इसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन अ पेशेंट, कि एनाटॉमी की मदद से, एनाटॉमी के नॉलेज की मदद से आप किसी भी पेशेंट को एग्जामिन उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट टू सर्जन फॉर सर्जिकल ऑपरेशन, कि किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आपको एनाटॉमी के मुतालिक
एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जितना अच्छा जो सर्जन होगा, मतलब कि उतना ही अच्छे उसको वो अनाटॉमी के मुतालिक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रखता है। यानी जिस बंदे की जितनी ज्यादा अनाटॉमी पे ग्रिप है, उतना ही ज्यादा वो एक अच्छा सर्जन कंसिडर किया जाता है। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी कॉन्जेनिटल अबनॉर्मैलिटीज एंड मेनी चाइल्डहुड डिजीज। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो नॉलेज है, यानी एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती है प्री नेटल यानी नियोनेट के अंदर, यानी एम्ब्रियो के अंदर, यानी अब जो उसे हम फीटस कहते हैं, यानी नॉर्मली तौर पे हम अगर हम चलें कि ड्यूरिंग जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी का टाइम फ्रेम है, उसमें जो भी चाइल्ड है उसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है वो फीटस का यूज किया जाता है। तो फीटस के अंदर जो आपकी पैदाइशी यानी पैदाइश से पहले की जो अबनॉर्मैलिटीज हैं, उन अबनॉर्मैलिटीज को, उस नुक्स को आप कॉन्जेनिटल अबनॉर्मैलिटीज कहते हैं। या उसके बाद मैं बहुत सी चाइल्डहुड डिजीज यानी पैदाइश के बाद की कुछ बीमारियां, तो ये तब ज्यादा आप इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं जब आपके पास एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज हो या अनाटॉमी का, यानी अनाटॉमी की ही एक ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। तो जब तक आपके पास एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्जेनिटल अबनॉर्मैलिटीज को और आने वाले पैदाइश के बाद की जो कुछ बीमारियां हैं चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चों में होती हैं, तो उनके मुतालिक भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, यानी गेन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट रिलेटेड टू द अनाटॉमी। तो उसमें हमने अनाटॉमी की डेफिनेशन को पढ़ा, अनाटॉमी की डेफिनेशन के बाद हमने उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ा, ब्रांचेस के बाद उसकी इम्पोर्टेंस थी कि अनाटॉमी की जो अहमियत है, अहम पॉइंट है, उनके बारे में हमने स्टडी किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो यू कैन आस्क विद इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।